2019 में क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लॉगरिथम के चैप्टर से रेलेवेंट है। इसके अंदर कह रहे हैं अगर इफ 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस टू द पावर माइनस बी इज इक्वल्स टू 0.00500 देन बी इज इक्वल टू, यानी हमें इस बी की वैल्यू मालूम करनी है। बट ध्यान रहे यहाँ पे माइनस जो है हमें गिवन है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब हमें ना सवाल में माइनस गिवन है, इसका मतलब हमारा आंसर सिर्फ क्या है, हमारा आंसर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे माइनस 2 लिखेंगे, बट वो गलत होगा, माइनस हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सिर्फ इसका आंसर जो है वो 2 है। 2019 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस विल बी रिटन एज, इसमें हमें कह रहे हैं कि इसके लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास रूल है लॉग ए ए बेस ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, अगर गौर करो तो ए अपनी जगह से ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करें, मीन्स वाई और एक्स ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन, यानी यहाँ पे माइनस 3 और 16 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और ए अपनी जगह पे रहेगा। तो जहाँ जहाँ हमें बेसिस ए दिख रहे तो हमने इन दोनों को शॉर्टलिस्ट कर लिया, ठीक है। 1/16 को इस तरफ आ जाना चाहिए था, तो यानी ए जो है ना हमारा करेक्ट आंसर होगा, बेस अपनी जगह पे रहेगा। सबसे पहले तो हमने शॉर्ट लिस्ट किया था, सी और डी को हमने कैंसिल आउट किया, क्यों, क्योंकि हमें बेस सेम चाहिए थी, दैट इज ए, क्योंकि यहाँ भी बेस ए थी। फिर इन दोनों में से जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था हमारा ए। ये एक्सप्रेशन दी हुई लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारी बुक के अंदर मौजूद है। इसमें कह रहे हैं अगर बेसिस सेम हो तो जो चीज़ नीचे है वो नीचे रहेगी और जो चीज़ ऊपर है वो बिल्कुल ऊपर रहेगी। तो हमें यहाँ पे भी बेसिस सेम नज़र आ रही है 3, तो यानी वाई नीचे, तो वाई नीचे हमें कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ए की सिचुएशन में, बी में, ठीक है। और एक्स ऊपर है तो एक्स, वैसे ये दोनों कन्फ्यूजिंग थे, बट अगर हमें याद हो जो चीज़ नीचे है वो नीचे रहेगी और जो चीज़ ऊपर है वो बिल्कुल ऊपर रहेगी, तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हमारे पास है बी, करेक्ट आंसर।